दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वन विभाग में बहुत बड़ी भर्ती आई है, तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे जो उत्तराखंड में आई है। वन विभाग में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रहें, आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे आपको कैसे आवेदन करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, अर्थ इज ऑल्सो नाउन एज पृथ्वी को किस रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है ऑरेंज प्लैनेट, नारंगी ग्रह, ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, येलो प्लैनेट, पीला ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जवाब दे के आप स्मार्ट व्यक्ति, आज का स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप हमें आंसर कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे लेटेस्ट न्यू अपडेट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विज्ञापन। तो जो विज्ञापन है ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य निर्वाचन परिसर बाईपास सिंह रोड देहरादून द्वारा ये रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जो कि विज्ञापन के प्रकाशित तिथि 21 मई है और ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि 21 मई 2018 है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन करने की तिथि है वो 4 जुलाई 2018 है, जो कि बहुत ही कम समय मिला है। तो इसी के बीच में आप आवेदन को ऑनलाइन सबमिट करें, जो कि परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जो उससे 6 जुलाई से पहले आप जरूर इसको फी पे करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैकेंसी है क्या। तो जो पद का नाम है, पद विभाग का नाम है, वो है वन रक्षी, वन विभाग। उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 1218 वैकेंसी है, जो कि एक अच्छा वैकेंसी है। बट यहाँ पे जो पे आउट है वो बहुत ही अच्छी है, 69,000 के अराउंड है, वो कि बहुत ही अच्छा जॉब है रेलवे वन विभाग में पाने के लिए। तो आयु सीमा है वो 18 से 28 वर्ष तक है और जो अनिवार्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड या उत्तराखंड राज्य स्थित द्वारा मान्यता पर विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट ही काफ़ी है, तो इंटरमीडिएट आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिजिकल फिटनेस भी है, जो कि पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर है और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार पुरुषों के लिए ओनली है। तो ये बेसिकली फिजिकल फिटनेस का है। उसके बाद यहाँ पे शारीरिक दक्षता दिया हुआ है कि अधिकतम जो शॉर्ट फुट है वो जितना किलोग्राम, लंबे कूद है 404 मीटर है, ऊंची कूद 1.10 मीटर है। तो ये बेसिकली फिजिकल फिटनेस के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो एग्ज़ाम जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा, वो जो 1.4 जो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस टाइप का ये एग्ज़ाम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में पाने के लिए। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे कैसे आवेदन करना है वो भी दिया हुआ है कि आप www.ssc.uk.gov.in पर जाएँ और वन आरक्षी परीक्षा 2017 के मुख्य लिंक पर जाएं और कंटिन्यू करें। तो ऐसे जो भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है उसको यहाँ पे फॉलो करें। और जो शुल्क है वो जनरल के लिए 300 है और एससी एसटी के लिए 150 है, तो ज़्यादा एग्ज़ाम फी भी नहीं है। तो आप इसको एग्ज़ाम का फी ज़रूर पे करें ताकि आपको फ्यूचर में ये रद्द ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं जो कि है, जो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और पूरे एडवर्टीजमेंट को एक बार यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पे जाइए और अधिसूचना पे जाइए, यहाँ पे जाके अधिसूचना विज्ञापन तो क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे जाके आप कंप्लीट रीड करें पहले, उसके बाद आवेदन करें। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।